चार राज्यों में मॉनसून एक आफत की तरह बन गया है। आज का दिन चार राज्यों के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि वह मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। हम आपको कुदरत के कहर की एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मौसम विभाग की भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा हालात खराब तो गुजरात में होने वाले हैं। गुजरात के मौसम विभाग ने गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया और बीते 24 घंटे की बात करें तो गुजरात के कई जिलों में 10 से 12 इंच बारिश हुई। सबसे भारी बारिश नवसारी, डांग, वलसाड, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, महीसागर, तापी, पंचमहल में हुई। वहीं आज गुजरात के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरेली, भावनगर, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, दमन और दादरा नगर हवेली में शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हुई और जमकर अभी भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। IMD का कहना है कि गुजरात में ऐसा मौसम 29 अगस्त तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने गुजरात रीजन के साथ सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन्न जिलों में 25 से 27 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद 2 दिन मूसलाधार बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। आलम यह है कि लगातार बारिश से अधिकांश जलांश भर गए हैं। लोगों को तेज बहाव वाली जगहों के समीप नहीं जाने की सलाह दी गई है। दक्षिण गुजरात रीजन से भरूच और सूरत में जिले में, जबकि सौराष्ट्र में अमरेली और भावनगर जिले में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुजरात रीजन में गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, डांग, तापी, नवसारी, दादर नगर हवेली, वलसाड और दमन में अलग अलग स्थानों पर, जबकि सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, गिर सोमनाथ, बोदाव और दीव में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर गुजरात रीजन में बनसंकट, पाटन, मेहसाणा और साबरकांठ जिलों में अलग अलग स्थानों पर, जबकि सौराष्ट्र कच्छ में जामनगर, पोरबंदर, द्वारका और कच्छ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात रीजन के सभी जिले बनासकांठ, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठ, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़ और दमन, दादर हवेली और में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश से दक्षिण गुजरात के वलसाड़, तापी, नवसारी, सूरत, नर्मदा और पंचमहल जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और इसके अलावा गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश वापी, वलसाड़ में 326 मिलीमीटर दर्ज की गई। भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ताज़ा हालात में जानकारी लेने के लिए बारिश प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने SDRF, NDRF के राज्यों की ओर से पूरी मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया। वलसाड़ की SDM आस्था सोलंकी ने बताया कि वलसाड़ के कश्मीर नगर में हालात खराब हैं। अब तक करीब 100 परिवार को हटाया जा चुका है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।